सी, हमको अब कुछ ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो देखने हैं ना। फ्रॉम 10 to 13 ये कल की चीज़ें जो है, ये जो पिछला वीडियो है उसमें एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव कब होंगे, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव या इक्वल टू जीरो कब आएगा, ये सब चीज़ें हमने देखी है। तो यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट्स है ये अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो कंसिडर दिस, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। एक है एक्स अगर माइनस और टू के बीच में लाए कर रहा हो तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में लाए करेगा, ये हमको आंसर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4। हम लोग एक्स स्क्वायर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कहाँ पे लाए कर रहा है। यहाँ पे 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी है, -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। तो एक्स स्क्वायर इस रेंज में लाए कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्विवेलेंट है। एक्स अगर आप 2 और -2 के बीच में लाए कर रहा हो तो एक्स स्क्वायर लाए करेगा 4 और 0 के बीच में। इसको कट शॉर्ट करके आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर अगर 4 से कम हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये डेफिनेटली 0 से तो ग्रेटर ही होगा, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर इतना लिखा हुआ हो तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एक्स विल लाई बिटवीन 2 एंड -2। सो दिस यू कैन यूज़ इंटरचेंजेबली। मोस्टली प्रॉब्लम्स में ये वाली चीज़ लिखी हुई होगी, आपको वहाँ से ये लिखना होगा, फाइन। ये ना यहाँ से भी ला सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4 < or = 0, सो एक्स प्लस 2 x - 2 < or = 0। अब ये जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन की थी वेवी कर्व मेथड, उसी के ऊपर बेस्ड है। इसका रूट है -2, इसका रूट है +2। और ये प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, हमने देखा था कि एक्स का वैल्यू अगर आप इसके आगे लेते हो तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है। -2 और 2 के बीच में ये नेगेटिव होगा ये प्रोडक्ट, और -2 के नीचे इट विल अगेन बी पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव कब आएगा, हमको नेगेटिव की ही कंडीशन चाहिए, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -2 एंड 2। सो इसका जो मीनिंग है, या यहाँ से हमने ये लिखा ना, तो इसका दूसरा मीनिंग ये है कि एक्स -2 और 2 के बीच में लाए कर रहा हो या लाए करेगा, फाइन। सिमिलरली इफ़ इट्स गिवन लाइक दिस, सपोज यहाँ पे 2 है और फिर ये -2 है, मान लो एक्स यहाँ पे लाए कर रहा है 2 के आगे एंड -2 के नीचे, तो अगर आप एक्स स्क्वायर को ऑब्जर्व करोगे, हम लोग एक्स स्क्वायर को अब ऑब्जर्व करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 2 के आगे का नंबर 3 का स्क्वायर 9, जो भी इसके आगे के नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो 4 से ग्रेटर ही होंगे। उसके बाद -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16। तो इस तरफ के भी जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करोगे तो वो 4 से आगे लाए करेंगे। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि एक्स 2 से ग्रेटर है, और या तो एक्स < or = -2 है, 2 से ग्रेटर है या -2 से कम है, तो उसका सिनोनिम, उसका मीनिंग क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 4। ये एंड ये सेम है। सो अगर ऐसा लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, आप लिख सकते हो एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2, फाइन। एक और इनसे मिलती जुलती चीज़ ऐसी है कि अगर आप मॉड एक्स को देखो, मॉड एक्स ये एक्स के वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग मॉड एक्स को प्लॉट करेंगे। नाउ 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, 4 का मॉड 4। सो एक्स के वैल्यूज़ अगर 2 से आगे लेते हो तो मॉड एक्स के वैल्यू 2 से आगे होंगे। एक्स के वैल्यू -2 लेते हो, -2 का मॉड 2, -3 का मॉड 3, -4 का मॉड 4, तो इस तरफ के भी जो नंबर्स हैं उनका मॉड 2 से आगे ही लाए करेगा। तो ये एंड ये तो सिनोनिम है ही, इसका एक और सिनोनिम है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर। सो दीज 3 कैरी द सेम मीनिंग, ये सिनोनिम्स है। तो ऐसा मान सकते हो, मान लो ये मराठी में ठंडा पानी है, ये हिंदी में ठंडा पानी, और फिर ये हिंदी का ठंडा पानी, और फिर ये कोल्ड वाटर है, एक ही चीज़ बट अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई है, फाइन। और ऐसे ही रिमेनिंग जो इसके रिजल्ट्स है वो हैं, मान लो एक और इसका जो टाइप है वो देख लेते हैं कि सपोज़ करो एक्स जो है
वो टू और थ्री के बीच में लाए कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ लाए करेगा? एक्स स्क्वायर लाए करेगा टू का स्क्वायर फोर और थ्री का स्क्वायर नाइन। एंड सपोज करो कि एक्स इसके बीच में भी लाए कर रहा है, माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में, तब भी एक्स स्क्वायर कहाँ लाए करेगा? इसका स्क्वायर फोर और इसका स्क्वायर नाइन। सो एक्स स्क्वायर फोर और नाइन के बीच में लाए करे, एक्स स्क्वायर फोर और नाइन के बीच में लाए करे, इसका जो सिनोनिम है, इसका सिनोनिम है एक्स लाइज बिटवीन टू एंड थ्री और एक्स लाइज बिटवीन माइनस थ्री एंड माइनस टू, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दीज टू आर सिनोनिम्स, ये एक ही मीनिंग कैरी करते हैं। तो आपको लेना है स्क्वायर रूट लेना है, इसका स्क्वायर रूट एक्स, इसका स्क्वायर रूट टू, इसका स्क्वायर रूट थ्री, एक ये पॉसिबिलिटी लिखनी है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे लिखनी है, इसका स्क्वायर रूट एक्स, फिर इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे, बट नेगेटिव। ओके, तो मेरे हिसाब से अब वो जो पॉइंट्स है, वो जो दिए हुए पॉइंट्स, अच्छा एक और इसका सिनोनिम क्या है, चलो ये तो एक्स के वैल्यूज़ है, मॉड एक्स के वैल्यूज़ किसके रेंज में लाए करेंगे? एक्स अगर टू और थ्री के बीच में लाए करें, पॉजिटिव ही है, तो मॉड एक्स कहाँ लाए करेगा? टू और थ्री के बीच में। एक्स माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में लाए कर रहा है, तो मॉड एक्स फिर से किसके बीच में लाए करेगा? मॉड क्या करेगा? नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देगा। सो इसका जो मॉड है, इन वैल्यूज़ का मॉड टू और थ्री ही आ जाएगा। सो मॉड एक्स लाइज बिटवीन टू एंड थ्री, वन टू थ्री, दीज थ्री थिंग्स आर सिनोनिम्स, दे कैरी द सेम मीनिंग। ओके, तो मेरे हिसाब से वो जो पॉइंट्स है ये आप समझ लोगे, ठीक है? यहाँ पे जो दिए हैं आप खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ और देखो कि ये कैसे लिखे गए हैं। कहीं पे भी इशू आता है ए नौ में तो मुझे बताओ, इनफैक्ट ए 13 पॉइंट्स में अगर इश्यूज़ है तो मुझे पॉइंट लिख के भेजो, मैं उसको फिर से जूम लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाएंगी चीज़ें। फाइन, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ इस टाइप के सम्स। कि सपोज़ करो आपके पास एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ये पहले देंगे वो लोग आपको, ठीक है, कि x जो है वो रियल क्वांटिटी है, पहला सेंटेंस ये देंगे, और फिर आपको क्या करना होगा, ऐसा एक एक्सप्रेशन दे देंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। इसकी रेंज निकालो, इसकी रेंज निकालो, या ये बताओ कि ये जो y है ये, हाँ ठीक है, इसकी रेंज क्या है? तो फाइन, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। तो इसको रीअरेंज करेंगे, वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस 17x, ये भी हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, टू कॉमन निकाल दिया, और फिर यहाँ पे है प्लस 71 माइनस 7y इज इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो x रियल नंबर है, रूट्स है, ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x। अब यहाँ पे बोला गया कि x रियल है, तो अगर इसके रूट्स रियल है, ये इक्वेशन है ना, तो इसके रूट्स रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फाइन, तो 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 4 चला जाएगा, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 17 स्क्वायर माइनस, इसको भी एक्सपांड कर देंगे, 71y माइनस 7y स्क्वायर माइनस 71 प्लस 7y, ऐसा होना चाहिए, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बनेगा, 7 प्लस 1 इज 8, तो 8y स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स हमने कंसीडर कर दिए। यहाँ पे माइनस 34y है, यहाँ पे माइनस 71y, सो y का इफेक्टिव टर्म क्या होगा, माइनस 34 माइनस 71 माइनस 7, और फिर एंड में जाके क्या आ जाएगा, यहाँ पे है 17 स्क्वायर और यहाँ से आएगा प्लस 71,
शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. तो दिस इज एट वाई स्क्वायर. माइनस साइन अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं वाई आ जाएगा, और अगर आप इन टर्म्स को ऐड करो ये निकल के आ जाएगा 112. यहाँ पे आएगा 360 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं. फोर से मान लो डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर माइनस वाई इंटू 28 प्लस 90 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. फिर टू से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. नाउ इसको फैक्टराइज करेंगे, दो लीनियर फैक्टर्स में इसको ब्रेक करेंगे. तो 5 9 45 होता है, तो y माइनस 5 y माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ये आ रहा है. अब वही चीज़ें हम लोग करेंगे, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट है 5, इसका रूट है 9. अगर आप y की वैल्यू 9 से आगे रखोगे तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, 5 और 9 के बीच में रखोगे तो ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे x को रियल बनाने के लिए ये सब कंडीशंस लगती गई और y पे एक कंस्ट्रेंट आ गई कि y पॉजिटिव, ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव होना चाहिए. और ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ रहा है, पॉजिटिव या इक्वल टू ज़ीरो कब आ रहा है, यहाँ पे 9 से आगे या 5 के नीचे. सो y शुड लाई बिटवीन 9 एंड 5. सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, y शुड नॉट लाई बिटवीन 5 एंड 9. सो y 5 और 9 के बीच में नहीं लाई करना चाहिए. y कहाँ लाई करना चाहिए, 9 से आगे या 5 के नीचे. इट कैन नॉट लाई बिटवीन 5 एंड 9, 5 और 9 के बीच में लाई नहीं कर सकता. लेट अस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 31. सॉल्व 31. नाउ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. इसका मॉड लेस दैन 3 अपने को चाहिए. हमको फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर के की वैल्यूज निकालो सच दैट ये इनइक्वालिटी एक्स के सारे रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो. ठीक है, ये हमको बताना है. अब मॉड एक्स लेस दैन 2, मैंने क्या बताया था, मॉड एक्स लेस दैन 2 कब होगा, जब एक्स किसके बीच में लाया करेगा, 2 और माइनस 2 के बीच में. देखो एक्स जब माइनस 2 और 2 के बीच में लाया करेगा तब जाके इसका जो मॉड है, तो यहाँ पे 0 होगा, 0 का मॉड 0, 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2, माइनस 2 का मॉड 2, माइनस 1 का मॉड 1. तो मॉड एक्स 0 और 2 के बीच में कब फंस जाएगा, जब x माइनस 2 और 2 के बीच में होगा. तो कहने का मतलब मॉड x lies between 0 एंड 2, इट इज़ सेम एज x lies between 2 एंड माइनस 2. जो सिनोनिम्स की मैंने बात की थी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, वही चीज़ कि मॉड अगर ऐसा है तो x इसके बीच में लाई करेगा. सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे. मॉड इस क्वांटिटी का लेस दैन 3 है, मतलब आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 शुड लाई बिटवीन 3 एंड माइनस 3. तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ है, एक तो है कि ये माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए. यहाँ पे एंड कनेक्टिव है, ये एंड ये दोनों कहाँ पे सेटिस्फाई होंगे वो देखना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इज लेस दैन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1. सेम चीज़ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3. रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस के प्लस 3x प्लस 4. इसको भी रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस के एक्स प्लस 2. तो अब आपको बहुत ध्यान से यहाँ के आगे का जो पॉइंट है वो समझना है.
मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या देखा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा पॉजिटिव कब आती है? देखो ये क्वाड्रेटिक है जो हमेशा पॉजिटिव है। अगर आप y लेते हो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर मैं ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दूँ तो x के किसी भी वैल्यू के लिए y हमेशा ऊपर है ना, x एक्सिस के ऊपर है, और ऊपर का मीनिंग क्या है, y हमेशा पॉजिटिव है। तो दिस इज पॉजिटिव मीनिंग y इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा तो अब इस ग्राफ पे देखो, इस ग्राफ को रिकंसिडर करो। आपने क्या लिखा था, ये ग्राफ में क्या होता है, a पॉजिटिव होता है और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन ज़ीरो होता है। याद करो हमने बनाया है ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ, इसमें y हमेशा पॉजिटिव, y मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब आती है, a पॉजिटिव होना चाहिए ताकि u शेप हो, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होता है तो ऑटोमेटिकली ये दो जगह पे कट नहीं करता, ऊपर लाए करता है। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, ये स्टार्टिंग का टर्म a तो पॉजिटिव है ही, तो ये क्राइटेरियन सेटिस्फाइड है। तो अब दोनों में क्या क्राइटेरियन सेटिस्फाई करना बच गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, एट द सेम टाइम इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। फाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी पॉइंट है इसका। सो लगाते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस शुड बी लेस देन ज़ीरो। सेम चीज़ यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस शुड बी लेस देन ज़ीरो। सो नाइन माइनस सिक्स के प्लस के स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, दिस शुड बी लेस देन ज़ीरो। एंड इवन हेयर, के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस नाइन माइनस सिक्सटी फोर, दिस शुड बी लेस देन ज़ीरो। तो के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस फिफ्टी फाइव शुड बी लेस देन ज़ीरो। इसका फैक्टराइजेशन, के प्लस इलेवन इंटू के माइनस फाइव शुड बी लेस देन ज़ीरो। एंड यहाँ पे क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस सिक्स के माइनस सेवन शुड बी लेस देन ज़ीरो। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, के माइनस सेवन के प्लस वन शुड बी लेस देन ज़ीरो। अब ये नॉर्मल सी चीज़, वेवी कर्व मेथड लगा दो, के की एक्सिस बना दो, माइनस वन यहाँ पे सेवन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। हमको चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव कब आ रहा है, व्हेन के लाइज बिटवीन माइनस वन एंड सेवन। सेम चीज़ यहाँ पे आएगा माइनस वन, यहाँ पे आएगा फाइव, ये प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। हमको चाहिए नेगेटिव कब है, तो के लाइज बिटवीन माइनस वन एंड फाइव। हमको एंड चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप सोचो कौन सी वो रेंज है के की जहाँ पे दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं। ये आपको कंडीशन कह रही है कि के को माइनस वन और फाइव के बीच में रखो, ये कंडीशन आपको कह रही है कि के को माइनस वन और सेवन के बीच में रखो। हमको तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो दोनों कहाँ सेटिस्फाई होने लिए, इसमें। सो फाइनल आंसर इज के शुड लाई बिटवीन माइनस वन एंड फाइव। तो आई स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हेयर। आप क्या करो कि ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो रेंज वाली, ये समझने की कोशिश करो। मैं कुछ क्वेश्चन नंबर्स आपको भेजता हूँ सेशन थ्री के, वो आपको आज अटेम्प्ट करने हैं।